हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का दिन काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मेरे और किंजल के ऑलमोस्ट 15 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप कंप्लीट होने जा रहे हैं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसको एक सरप्राइज दूंगा। वो मुझे बहुत बार बोल चुकी कभी तो मुझे डेट पे लेके जाए, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं उसको डेट पे लेके जाऊंगा और सिर्फ डेट पे नहीं, हम लोग वहाँ पे ओवरनाइट रुकेंगे भी। तो ये जो प्लान है वो काफ़ी स्पेशल है और मैं फर्स्ट टाइम उसको सरप्राइज दे रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ और किंजल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो गाइस, किंजल ने ये ड्रेस डाला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पता नहीं, अभी मैं तो नर्वस हूँ, तुझे कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा और बहुत स्पेशल ओकेजन भी है, 15 इयर्स कंप्लीट होने जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो जाते हैं, टैक्सी आ चुका है। सो गाइज, हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए और ये जो लोकेशन है ये है बांद्रा में। तो किंजल को मैंने बोल दिया कि कार में थोड़ी देर बैठी रहे, थोड़ा धीर रख, मैं चेक इन प्रोसेस वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ। और ये लोकेशन का नाम है थियरी 9 और ये प्रीमियम सर्विस अपार्टमेंट है। और जो मैंने यहाँ पे रूम बुक किया है उसका नाम है नाइट अंडर द स्काई। तो ये मैं फर्स्ट टाइम, मैं बार बार बोल रहा हूँ बट सिंस ये मैं फर्स्ट टाइम सरप्राइज दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा प्रेशर भी फील कर रहा हूँ। सो लेट्स सी किंजल को कैसा लगता है। तो मैं किंजल को लेके आया, इसने मुझे बीच में दो बार कॉल भी किया क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे बाहर ट्रैफिक हो गया था। किंजल, तुझे कुछ अंदाजा है हम लोग कहाँ पे? थोड़ा बहुत कैसे समझ रहा है, मतलब कंफर्म नहीं हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है मैंने कि ये प्रॉपर्टी मैंने किधर तो देखा हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं सरप्राइज देता नहीं हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं रहा है कि कैसे। सरप्राइज देने का तरीका बहुत डिफरेंट है, वो मुझे बता के सरप्राइज देते हैं यूजुअली। हाँ, तो ये इस टाइम मैंने बताया नहीं है, तो मेरे को थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा है कि इसको कैसा लगेगा। पर अच्छा ही लगेगा, अभी प्यार से जो किया रहेगा वो अच्छा ही लगेगा ना, ऑब्वियसली। पूरा व्लॉग मुझे खुद को करना है, उसका प्रेशर आज मुझे समझ रहे हैं। एनीवे चलो यहाँ से। हाँ, यहाँ से। हे स्वीट हार्ट, वी आर अबाउट टू कंप्लीट 15 इयर्स ऑफ दिस इनक्रेडिबल जर्नी, सो हियर्स अ स्मॉल सरप्राइज टू मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन माई लाइफ। Thank you for being such a strong pillar and being there in every ups and downs, no matter what. Cannot imagine my life without you, love me. Thank you so much. और ये आपने लिखा है? ये लिखने में मैंने literally आधा दिन ले लिया, मुझे समझ नहीं रहा था कैसे लिखूं, क्या लिखूं। Wow! मतलब पहली बार ही आपने डेट नाइट प्लान किया और इतना इतना मस्त प्लान किया है आपने। डिनर के लिए आप मुझे लेके जाओगे कोई तो अच्छे रेस्टोरेंट में, जो मैं आपको बहुत टाइम से बोल रही हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ होगा। एक्चुअली यहाँ पे का फायदा क्या है पता है क्या? वो लोग अच्छे से प्लान करके दे देते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। उन्होंने अच्छे से ये सब डेकोर करके रख दिया है और मैंने उनको बोल के रखा था कि इटालियन का जो सबसे अच्छा फूड रहेगा वो मंगाओ, क्योंकि तुझे इटालियन। सो गाइज, अभी हम डिनर कर रहे हैं, मस्त कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, ऊपर पूरा स्काई दिख रहा है और बहुत ही यमी और टेस्टी डिनर है। और मेरा फेवरेट क्यूजिन का है इटालियन क्यूजिन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने बोला था पास्ता रेड सॉस में, जो कि काफ़ी टेस्टी है, ब्रुशकेटा बोला था, पिज़्ज़ा है और बहुत यहाँ पे 2 से 3 मुझे डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं, बट फूड बहुत अमेजिंग है। और ये फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं कैंडल लाइट डिनर कर रही हूँ और मस्त इतना सेटअप है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइज, ये जो डिनर है ये मैंने मंगाया लिटिल इटली से। यहाँ पे उनका खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, उसके लिए वो लोग बाहर से मंगाते, तो जब आप यहाँ पे आओगे तो पहले से ही वो आपको रेस्टोरेंट की डिटेल्स दे देंगे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं उनके पास, और आपको वो पूरा मेन्यू देना पड़ता है जैसे मैंने दिया। और किंजल को सिंस इटालियन फूड पसंद है तो मैंने सारा इटालियन फूड मंगाया, और स्वीट्स सिंस मुझे पसंद है तो मैंने 3-4 डिफरेंट टाइप की स्वीट्स भी मंगा लिए और टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छी। गाइज, हम लोग का डिनर हो गया और बहुत ही अच्छा डिनर था। और अभी हम लोग रूम में शिफ्ट हो गए, किंजल ने कपड़े वगैरह चेंज करके एकदम कम्फर्टेबल
कंफर्टेबल कपड़ों में बैठी हो, और अब भी हम लोग एक मस्त चीज़ करने वाले, मूवी देखने वाले। एक्चुअली जब हम लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना, तो हम दोनों ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड थिएटर में जाके मूवीज़ देखते थे। और एक चीज़ था, और एक किस्सा है, मेरे को कैसे याद है मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे ना उन्होंने, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये ना पॉपकॉर्न वगैरह स्नैक्स रखे उन्होंने। तो ये स्नैक्स से मुझे एक चीज़ याद आ गई, जब हम लोग का फर्स्ट टाइम हम लोग मूवी देखने गए थे, तो मैं ऐसा दिखाना चाह रहा था कि अरे तू टेंशन मत ले, तू मेरे साथ मूवी देखने आई है। तो मैंने बहुत सारा ऐसा बड़ा पॉपकॉर्न पेप्सी वगैरह ले लिया था, समोसा ऐसा सारी चीज़ें ले ली थी। और जैसे ही मैं सीट पे बैठा ना, मेरे से सारा कुछ गिर गया। और किंजल ने मुझे ऐसा देखा कि अभी क्या, क्योंकि हम दोनों का नया नया स्टार्ट हुआ था, तो क्या बोलेगी वो भी मुझे। पर वो हंसी नहीं, और मुझे ऐसा हो गया साला, एक तो लिमिटेड पैसा उसमें सारा गिर गया। तो मैंने उसको बोला टेंशन मत ले, वापस लेके आएंगे। और मैं वापस लेके आया, बट मेरे को बहुत दर्द हुआ था कि मेरा पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। बट वो मुझे इससे याद है, यहाँ पे जो उन्होंने ऐसा क्या बास्केट रखा है ना, उसकी वजह से सॉल्टेड कैरमल पॉपकॉर्न, जो मुझे कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। चॉकलेट से अगर आपको स्वीट टूथ रहेगा तो उनको खाने को मज़ा आएगा। रेडबुल है, एक कोक है, डाइट कोक, मतलब ऐसे काफ़ी कुछ है। तो जो हम लोग यूजुअली मूवीज देखते टाइम पे भी मंच कर सकते हैं, मंच करने की आदत होती है, तो ये परफेक्ट है। अभी वो रिमोट दबाना अपन ने, चेक किया वो दिखाना। हाँ। अभी देखो गाइस, ये मस्त है। हाँ, तो ये अभी सारा बंद हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोजेक्टर है, यहाँ पे प्रोजेक्टर है, और आई गेस मूवी यहाँ पे प्ले होगा। आई गेस मतलब यही पे प्ले होगा। मैं आई गेस इसके लिए बोल रहा हूँ कि अपन सक्सेसफुल होने चाहिए प्ले करने में। मॉर्निंग गाइज, अभी हम लोग रुके एक ब्रेकफास्ट के लिए, और वो ब्रेकफास्ट रूम में सर्व करते हैं, क्योंकि बाहर थोड़ा धूप हो गया है। हाँ। तो उसके लिए हम लोग अंदर बैठ के खाएंगे सब। काफी डिफरेंट है ये ब्रेकफास्ट, है ना, बहुत ही अच्छा है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड दिए उन्होंने, ऑलिव्स है, फिर उसके बाद स्प्रेड्स है, अलग अलग टाइप के बटर है। और इसके अलावा ना, यहाँ पे वो लोग पराठा और उत्तप्पा ये सारी चीजें भी देते हैं। अगर आपको वो खाना है तो आप वो भी खा सकते हो। सो गाइज, ये जो एक्सपीरियंस है, इसके अंदर जो आपने देखा है डेकोर, मतलब जो डिनर डेट था उसके अंदर जकूजी, पर्सनलाइज फोटो, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। तो जैसे पर्सनलाइज फोटो है ना, उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको मेल भेजेंगे, वो सारा डिटेल्स रहता है कि आपको कौन सा फोटो उनको देना है, क्या मैसेज लिखना है, वो सिर्फ आपको उनको सेंड करना है। इनकेस अगर आप बांद्रा के नहीं हो या फिर आपको बांद्रा का रेस्टोरेंट्स नहीं पता, तो वही आपको सजेस्ट करते हैं कि इतने सारे रेस्टोरेंट्स है उनके अराउंड जो कि अच्छे हैं। तो जैसे मैंने लिटिल इटली से मंगाया, तो उन्होंने मुझे लिटिल इटली का मेन्यू भेज दिया था पीडीएफ में, तो मैंने उसमें सिलेक्ट करके उनको भेज दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए खाने के लिए, तो वो भी सॉर्टेड हो जाता है। उसके अलावा जो स्नैक्स आपने देखे, जैसे ये ब्रेकफास्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है। और ये पर्टिकुलर जो रूम है, नाइट अंडर द स्काई, ये सिर्फ कपल्स के लिए। आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल डिस्काउंट कोड लाया है, क्योंकि हम लोगों ने थेरी 9 के साथ कोलैबोरेट किया है, तो आपको सीधा 20% ऑफ मिलेगा। और इसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस, किंजल को तो ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जल्दी से अपने पार्टनर के लिए ऐसा कोई सरप्राइज प्लान कीजिए और उसको स्पेशल फील कराइए। बाय गाइज।